हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सब देख रहे हैं NBT टेकेड। तो जैसा कि मैं आपको बहुत लंबे टाइम से ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूं कि भाई जल्द ही 62,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और ये भर्ती यूपी पुलिस में होने वाली है। तो ये जो भर्तियां हैं ना, इसके लिए अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन इन पदों को भरने की जो कवायद है ना, वो ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक 62,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और जैसे ही नोटिस आएगा उसके बाद ही जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यूपी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पदों पर एक नई भर्ती निकाली है और उस भर्ती के लिए ना आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो अगर आप उस 62,000 पदों की भर्ती का इंतजार करें तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इससे पहले ही यूपी पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस वीडियो में ना हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये जो भर्ती है वो किन पदों के लिए निकली है और साथ ही कितने पदों को भरा जाएगा और कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के एलिजिबल होंगे, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। यूपी पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत सब इंस्पेक्टर यानी कि SI पदों पर भर्ती निकाली है। तो अगर आपको SI बनना है यूपी पुलिस में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वेबसाइट पर जाना है और जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। वेबसाइट है uppbpb.gov.in। यहाँ पर आपको आवेदन का लिंक मिल जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी आपको उसे फिल करना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन फीस के साथ आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आवेदन की प्रक्रिया को ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 जनवरी तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि आप उससे पहले अप्लाई कर दें, आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि एंड डे पे क्या होता है, या तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, या फिर आप लिंक ही ओपन नहीं कर पाते। सो इट्स बेटर कि आप उससे पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें। अब आप कहेंगे कि भाई कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए क्विकली आपको वो भी बता देते हैं। तो बात अगर योग्यता की हो तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के लिए है। जिन उम्मीदवारों ने 12th पास किया हुआ है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में आपके पास कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी जरूरी है ये जानने के लिए आपको भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करना होगा, क्योंकि वहां पर सारी चीजें लिखी हुई है। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आपको सिलेक्शन के लिए ना कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, बस आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिकेशन के आधार पर आपको सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। तो आपको हम यही सलाह देंगे, बार बार मैं बता रही हूँ कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए, ताकि जितनी भी डिटेल है वो आपको अच्छे से पता चल जाए। इसके बाद मैं आपको भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बता देती हूँ, यानी कि सैलरी के बारे में। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे के तहत SI पदों पर यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ग्रेड पे 4200 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि पे बैंड 9300 से लेकर 34,800। तो ये सैलरी आपकी होने वाली है। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल जाननी है तो अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, नोटिफिकेशन में हर चीज़ बहुत डिटेल में लिखी गई है। यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकते, यहाँ पर हम आपको बेसिक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है। तो आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, यानी कि नौकरी के बारे में और डिटेल जाननी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आऊंगी मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।